Hey guys, welcome to our YouTube channel FMV. Fitte Munde Vlogs. तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई? आज हम करने वाले हैं MT15 का रिव्यू. तो MT15 का हम करेंगे रिव्यू. तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पूरे व्लॉग में. ये रिव्यू मैं बना रहा हूँ अपनी MT पे, जो कि मैंने लिया था 2021 में. और तो आप बोल सकते हो करीब इसको 2 साल होने आया है, और फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी मैंने वेल्ड मेंटेन करके रखी है गाड़ी. तो आपको मस्त चमक रही होगी गाड़ी सब जगह से. तो वेल प्राइस की बात करो तो ये मुझे पड़ी थी करीब 170 की कैश में, पूरी विद ऑल एसेसरीज 170 मुझे ये इंडिकेटर्स नहीं मिले थे. मेरे को हैलोजन इंडिकेटर्स मिले थे, तो मैंने बाद में लगवाया था. तो बात करते हैं हम लुक्स की. तो अब लुक्स देखिए काफ़ी इसका शानदार है. आप इसके आइस जो देख रहे हो वो मेजर अट्रैक्शन है इस बाइक का मोस्टली सेल होने में. और इस तरफ से आप पूरा देखोगे तो काफ़ी क्रिस्प डिज़ाइन की गई है. और टेल सेक्शन और ये सब मोस्टली आप मेरी बाइक में जो देखोगे वो सब मैंने अलग से लगवा के रखा है. तो स्टॉक बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल. आप देख लीजिए MT कुछ ऐसी आती है, और लुक काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक्स के. तो रिसेंटली अभी जून तक का इसका सेल करीब 9127 यूनिट्स सोल्ड हुआ है ऑल ओवर द इंडिया. और आप देख सकते हो कि ये जो कलर है मेटालिक ब्लैक है, और इसमें जो रेड कार्ड ने टच दिया है वो काफ़ी सेक्सी लग रहा है. आप देख सकते हो कि जो इसमें दिया है हमने ये स्ट्रिप्स लगवाया रेड, वो काफ़ी इसमें सूट कर रहे हैं रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन पे. तो वेल गाइस, अभी हम बात करें इसके माइलेज की. तो आपको मैं बता दूं कि MT15 करीब 45 से 50 का माइलेज आराम से दे देती है, वो भी एग्रेसिव चलाने पर भी. और अगर आप एकदम प्यार से चलाओगे तो आपको माइलेज आराम से 50+ दे देगी, आराम से बिना कोई टेंशन के. तो माइलेज की टेंशन इसमें आपको लेनी ही नहीं है. और बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस एक नंबर है इसका, क्योंकि इसका नाम ही है MT15 मास्टर ऑफ टॉर्क. तो टॉर्क इसका जो है वो काफ़ी अच्छा है बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर सिटीज़ में चला रहे हो तो स्ट्रीट्स के लिए बेस्ट है. और आपको इसमें दिख रहा होगा हमने ये जो आपको हैज़र्ड फ्लैश दिख रहा है, तो आपको बता दूँ MT के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते इंडिकेटर्स. ये मैंने इंडिकेटर्स लगवाए थे, मुझे 3000 के पड़े थे. वेल ये पड़ते हैं 2 सेट 1500 के, जो मैंने यामाहा से लिया था और लगवाया था उनसे ही. तो ये मेरे को करीब 3000 लग गया था, और इसको इंस्टॉल कराने का भी 300 रुपया अलग से लिया था, शोरूम वालों से ही मैंने करवा लिया था. और यहाँ पर आप देख सकते हो मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी बराबर है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई दिक्कत आया नहीं है इस शॉकर से, और ना ही आगे के किसी सस्पेंशन से. हमने करीब अपने YouTube जर्नी में 1 साल से ज़्यादा MT ही यूज़ किया है घूमने फिरने में. और आपको ये भी बता दूं मैं कि हमने MT पे राजस्थान की ट्रिप मारी थी, जो कि करीब 1200 किलोमीटर था यहाँ से आने जाने का. तो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, इजीली हमने इस पर ट्रैवल कर लिया था बैठने. हाँ, थोड़ा आपको बोल सकता हूँ कि ये जो इनिशियल जो आगे बैठने वाला बंदा है चलाने वाला, उसके लिए सीट थोड़ी अच्छी है, पर पीछे जो बंदा बैठा है उसके लिए सीट तो थोड़ी हार्ड है, क्योंकि कुशन ज़्यादा नहीं है. क्योंकि इसे जो बनाने में मतलब एग्जैक्टली इसका जो डिज़ाइन है वो पूरा एकदम स्लिम करके रखा है. तो इधर से आप देखोगे तो ये लेवल और ये, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है. तो गाइस, ये है लगेज कैरियर जो कि मैंने लगवाया था 1500 में, और इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इस पर हम 50 किलो तक का वेट रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के. और इसकी वजह से हम MT पे 3 जने बैठ सकते हैं इजीली, क्योंकि एक बंदा बैठ जाएगा इधर, दूसरा इधर, तीसरा इस पे बैठ जाएगा, क्योंकि जाने वाली तो है नहीं कहीं, 50 kg तक का वेट वो उठा सकती है इजीली. इसको लगवाने का रीज़न ये था, इसका पीछे से लुक है ना वो काफ़ी मस्त आता है, आप देख सकते हो. तो रीज़न मेरा ये था लगवाने का. और इसको लगवाने के बाद लुक्स काफ़ी चेंज हो गया है. नॉर्मली MT खड़ी रहती है, और ये तो अंदर बहुत फ़र्क लगता है. फिर यामाहा है, यामाहा की MT, तो आप बोल सकते हो इंजन काफ़ी रिलायबल है. और यामाहा वाले देते हैं 5 साल की इंजन पे वारंटी. और नीचे यहाँ पर आपको स्किड प्लेट भी मिल जाएगा, जो मैंने साथ में लगवाया था एज ए नेसेसरी. ये काम आता है हमारा जब साइलेंसर को हम किसी हैवी बम्पर से क्रॉस करते हैं, नीचे साइलेंसर टच नहीं उसके लिए. और आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल आपको दिख रहे हैं लीवर्स, ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये मैंने अलग से लगवाया है, ये एडजस्टेबल वाले हैं. यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक है, तो बेसिकली मैं 3 पे रखता हूँ. तो एडजस्टेबल मैंने लीवर्स लगवाए थे, जो कि मेरे को पड़े थे 1500 के. और इसका और उसका कलर आपको अलग लगेगा, क्योंकि धूप में खड़े खड़े MT के कलर उड़ गए हैं भाई लीवर के. इसमें भी देखो सेट कर सकते हैं,
इसको सेट करने के लिए सिर्फ आगे से खींच के ये लगा देना होता है। तो ये शॉर्ट आप बोल सकते हो छोटे एकदम शॉर्ट है और पकड़ने में काफ़ी मस्त लगता है। आप देख सकते हो ये इतना है और हैंडल इतना है, तो इतना काफ़ी पोर्शन रह जाता है। आप देख सकते हो जो स्टिचिंग है इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने गाड़ी साथ मिली थी तब इसमें लगवा के दिया था एज एन एसेसरी, और एसेसरीज में मैंने ये सीट कवर लगवाया था और ये टैंक पैड लगवाया था। टैंक पैड काफ़ी मस्त सूट कर रहा है कलर पे, ब्लैक और सिल्वर टाइप है। और एसेसरीज़ में कुछ एक्स्ट्रा इन सब ने लगा के नहीं दिया था, एसेसरीज़ में सीट कवर और ये टैंक पैड और कुछ कोटिंग का बोल रहे थे, वो कोटिंग करके दिया था लेने के टाइम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ़ोन होल्डर लगा के रखा है जो कि वोवो कंपनी का है। और इसकी ख़ास बात ये है ये फ़ोन मस्त होल्ड करके रखता है, दिक्कत नहीं आती इसमें। अभी आप इसमें देख सकते हो कि ये इसका थोड़ा स्प्रिंग ढीला हो गया, स्प्रिंग तो नहीं बोलूँगा पर इसका जो लॉक है यहाँ का वो ढीला हो गया, क्योंकि इसको भी करीब 1.5 साल होने आया है। और इसका एक साइड का रबड़ भी आप बोल सकते हो कि गायब हो गया है, एक साइड में ही रबड़ है, ये रहा एक साइड का निकल गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को लगा नहीं निकलेगा, पर बाद में जब पता चला कि इसका एक रबड़ तो गायब हो गया भाई, तो इसमें मेरे को दिक्कत तो नहीं आई। बेसिकली मैं यही यूज़ करता हूँ और करीब 141 के स्पीड में भी आज तक इसने फ़ोन छोड़ा नहीं है, मतलब पकड़ अच्छी है काफ़ी, स्क्रू सिस्टम है ना इसीलिए। ये भी मेरे को कुछ पड़ा था 1200 का। और इसमें आप देख सकते हो कि ये ग्रिप तो नॉर्मली जो स्टॉक बाइक्स आती है वही वाला है, पर जो बार एंड है वो मैंने चेंज किया है, क्योंकि नॉर्मली जो MTs में आती है या फिर यामा में आप बोलोगे वो प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा देते थे जो लगा होता है, पर ये पूरा मेटल का है, बोल सकते हो भारी है, मेटल का है। ये मैंने लगवाया था पल्सर 220 का है, ये मैंने अलग से लिया था, इसका मेरे को कुछ 150 रुपये पड़ा था दोनों सेट का। और ये वाइज़र है जिसकी मैंने बात अभी तक की ही नहीं, ये वाइज़र से ही गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं जब मैंने इनिशियली गाड़ी ली थी और मैंने लेते ही 15 दिन के अंदर ये वाइज़र इंस्टॉल करवा दिया था, और जब मैं लेके गया था यामाहा शोरूम तो वहाँ के शोरूम वाले ने मेरे को बोला था कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, ये तुमने क्या करवाया जो गाड़ी थोड़ी अलग लग रही है, तब मैंने उसको बताया था मैंने खाली ये वाइज़र लगवाया जिससे पूरी गाड़ी का लुक चेंज हो गया है। पहले इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर रेडिएटर भी दिया गया है जिसको हमने कवर करने के लिए रेडिएटर गार्ड भी लगवाया था MT15 का, जो कि हमें करीब पड़ा था 800 का, और अभी तक मेरे को इस रेडिएटर में कोई दिक्कत आई नहीं है। और कूलेंट मैंने अभी तक 2 साल होने सिर्फ 2 ही बार चेंज करवाया है, मतलब फील करवाया है, चेंज तो क्या ही करवाया है, तो अभी तक पूरी गाड़ी में हमने कुछ चेंज नहीं करवाया है, सिर्फ ब्रेक पेड चेंज करवाया था जो कि हम राजस्थान गए थे, करीब 20,000 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए थे, मतलब 1 साल से लेके जब हम लास्ट राजस्थान गए तब 20,000 हो गई थी, तब हमने इसके ब्रेक पेड चेंज कराया था ये वाले आगे के और पीछे के। और अभी रिसेंटली जब तब हमने कवर किया ये 21,000 किलोमीटर या 22,000 किलोमीटर कंप्लीट किया था, तब हमने अपनी लास्ट सर्विस पे हमने इसके चेन स्प्रोकेट भी चेंज करा दिए, पीछे वाले आपको दिख रहे होंगे चमक रहे हैं, ये वाले चेंज करवा दिए थे हमने, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा था चलाने में कि अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने बोला कि करवा ही लेते हैं क्योंकि वैसे हमको चेंज कराना ही था। वेल गाइस, आपको चलाने वाला बंदा कुछ ऐसा दिखेगा, लुक्स काफ़ी मस्त है भाई इसके, पीछे से टेल सेक्शन भी अच्छा है, और बंदा जब चला कर आएगा तो काफ़ी मस्त लगेगा। और ये बंदा हमने भाड़े पे रखा है आज, तो आप देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है बंदा चलाते हुए, लुक काफ़ी अच्छा रहा है, पीछे का व्यू देख लो काफ़ी सॉलिड लुक आ रहा भाई। गाइस ये आपको मैं बता दूं कि ये बाइक अभी तक हमने भगाई है टॉप स्पीड 141 और विथ पिलियन ये गई है 137, जो कि मैंने रोहित को ही बिठा के भगाई थी, तो स्पीड के मामले में भाई आप ऐसा नहीं बोल सकते कि MT भागती नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रीट्स की किंग है 150 सीसी में, ठीक है। और भाई लुक्स में आप क्या ही बोलोगे, लुक्स में एक नंबर है, जिसकी वजह से काफ़ी यंगस्टर्स इससे अट्रैक्ट है। तो वेल गाइस, इसके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो पेट्रोल टैंक सिर्फ 10 लीटर का है, सिर्फ 10 लीटर, इसका मतलब ये नहीं कि माइलेज नहीं देगी, माइलेज देती है भाई, माइलेज 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है, तो दिक्कत की बात नहीं है। फुल टैंक में 500 का राउंड मार लोगे, 500-450 मार लोगे आराम से अगर अच्छे से चलाई तो। और ये पूरा फाइबर बॉडी है, मेटल नहीं है भाई, पूरा फाइबर है ये, और फाइबर ये, और स्पोर्ट्स बाइक में भाई आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मेटल मिलेगा, ये भी मेटल मिलेगा, सब फाइबर ही मिलता है मोस्टली, R15 भी आप बोल सकते हो उसमें भी पूरा आपको फाइबर ही मिलेगा।
तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने लगवा के रखा है मोटो टॉर्क का क्रैश गार्ड, जो कि मैंने मंगवाया था बेंगलोर से स्पेशली एमटी के लिए। इसे आने में करीब महीना लग गया था, क्योंकि पहले जो मैंने मंगवाया था उस वाले सेट में क्या था कि ये सेक्शन ही मेरे को उसने दो बार भिजवा दिया था। तो उस चक्कर में मेरे को उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ा और उनसे बात करके ये मैंने रिटर्न करवाया था विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब मैंने एक रुपया भी नहीं दिया था बाद में। और ठीक एक महीने बाद ये मेरे हाथ लगा पूरा नॉर्मल सेट, मतलब ये सेट और पीछे वाला दोनों सेट। तब मैंने जाके इसको लगवाया था और इसको फिट कराने का भी मेरे को करीब 150 रुपये लगा था। और इसमें भी एक सीन मेरे साथ ये हो गया कि इसको सेट करने के चक्कर में, मतलब आप बोल सकते हो लोकल गैरेज में फिटिंग कराने के चक्कर में, उसने क्या किया, जो इस यहाँ का जो मेन सॉकेट होता है उसने इधर उधर करके पूरा फेल कर दिया। तो वो अलग से मेरे को सॉकेट लेना पड़ा, तो उसका भी करीब मेरे को 100 रुपये देना पड़ा। तो वेल अभी इसमें लास्ट में हमने जो ये टेल सेक्शन है पूरा ब्लैंक होता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी कुछ करा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिकर लगवाया था #location please, तो ये सेक्शन पूरा भर जाए और काफ़ी सूट भी करे, क्योंकि हमारा थीम भी है रेड और ब्लैक का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रेड और ब्लैक, ये रहा रेड और ये पूरा ब्लैक। ठीक है, टायर की बात करें तो एमटी में आता है पीछे का रेयर सेक्शन का टायर 140 सेक्शन का, और ये है अपना MRF 140/17 R17 M/C16H का रेडियल टायर है भाई, रेडियल टायर है, मतलब अगर कॉर्नरिंग करते हैं तो गाड़ी स्लिप नहीं होगी। और आगे का टायर का सेक्शन है 110 का शायद, नहीं 100/80 MC52P MRF का टायर है, MRF FX1। और यहाँ पर आप देख सकते हो MT में सिंगल हॉर्न ही मिलता है, ड्यूअल हॉर्न नहीं मिलता जैसे R15 में मिलता है। तो इसमें भी ड्यूअल हॉर्न होता तो काफ़ी थोड़ा बढ़िया लगता, पर कोई नहीं, बराबर है। अभी आप बात करते हैं मीटर का, तो मीटर में आप देख सकते हो कि मीटर चालू करने पे पहले तो नाम दिखाता है, हे अर्जुन करके, जो भी बंदा होगा यहाँ पे नाम सेट कर सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर न्यूट्रल देखने को मिलता है, इंजन टेम्परेचर और इन माल फंक्शन लाइट, दूसरा यहाँ पर ABS, फिर यहाँ पर इंडिकेटर्स, ऊपर वाला इंडिकेटर है जैसे अभी चालू करो तो ये इंडिकेटर का है, और नीचे वाला है अपना लाइट का, हाई बीम का, ये है सिलेक्ट करने का, ये है रीसेट करने का बटन, और यहाँ पर दिखता है कितने RPM, ये RPM पे रिफ्लेक्ट करता है, RPM लाइट है, जैसे 7000 क्रॉस करेगा ये लाइट ब्लिंक होना चालू हो जाएगी। और अभी फिलहाल दिख रहा है इसमें टाइम 12:04, यहाँ पर ट्रिप 1 और ओडो 23,433 किलोमीटर चली है। और यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है कितने पे है, सेकंड गियर पे खड़ी है, फ्यूल गेज कितना है, फ्यूल RPM 1300 13,000, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एवरेज 41 दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, पर एवरेज किलोमीटर 47.5 क्योंकि हम मंगाने वाले भाई हैं। तो यही था, और इसमें आपको ABS नहीं मिलता और ना ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, क्योंकि तब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती ही नहीं थी MT में जब मैंने लिया था। और वेल गाइस, सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टैंड जब तक, मतलब बोल सकते हो कट ऑफ सेंसर वाला फीचर, स्टैंड ऊपर ले लो, देखो गियर में है, स्टैंड लगा है, बाइक चालू नहीं होगी, नहीं चालू होगी। अभी इसको हम न्यूट्रल करेंगे तब चालू हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर बाइक गिरने पे बाइक का जो सेंसर है वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, गाड़ी खुद ही बंद हो जाती है। और दूसरा है कि जैसे अभी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, न्यूट्रल में है, अभी गियर डालूंगा, गियर लगने के बाद हॉर्न काम नहीं करेगा, तो ये भी एक फीचर है जो कि बैटरी बचा सकती है। और यहाँ पर आता है फुल्ली प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ DRLs, जो DRLs काफ़ी मस्त है आँखों वाले, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प, तो ये बोल सकते हो कि थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक मतलब कि बहुत डार्कनेस होगा तो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता, सिर्फ बेसिक सामने कवर करता है। दूसरा डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो सीट का मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा बोलूँ ये थोड़ा बाइक कॉम्पैक्ट है मोर देन 6 फीट वाले बंदों के लिए, जैसे हमारा सनी है उसके लिए, वो बैठेगा तो एकदम लगेगा कि बैठा ही है सीधा। और तो अभी हम चेक करते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, तो चालू करते हैं एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। गाड़ी स्टॉक खड़ी है तो आवाज़ कुछ ऐसी आएगी, मतलब गाड़ी पे रेव देंगे तब
अभी मुझे पड़ी थी 170 की और ऑन रोड 170 की पड़ी थी। अगर आप आज जा रहे हो लेने तो आपको ये 170 एक्स शोरूम पड़ेगी, मतलब इनडायरेक्टली आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 195-198 के आसपास। आप इसमें देख सकते हो कि ये टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है, USD वाले नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं मीटर वाला भी, इसमें ये इसका मीटर है। और इसमें आप देख सकते हो ये भी बॉक्स शेप स्विंग आर्म है। इसमें ड्यूअल चैनल ABS नहीं है, ये आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलता है, सिर्फ फ्रंट में ABS है। तो अभी हम भाई से पूछेंगे इनका खुद का पर्सनल रिव्यू कि इन्हें बाइक कैसी लगी, और ये बताएंगे पर्सनल रिव्यू। तो बताइए भाई। बाइक भाई एक नंबर है, बाइक आज तक हमें बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई है। कि इतना सीरियस हो कि मैं ले जा रहा हूँ, गाड़ी बंद हो गई, मेरे को फ़ोन करके बुलाना पड़े आ जाओ भाई बाइक बंद हो गई है। 2 साल होने आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और माइलेज की बात तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि माइलेज गाड़ी अच्छी देती है, 50+ की देती है अगर आराम से चलाओगे तो। फिर भी अगर दबा के चलाओगे फिर भी 40-45 आराम से दे देगी, ठीक है। और लुक्स की बात आप देख लो, एक बार हम राउंड मार के कैसे लगते हैं हम। वेल गाइज, ये था हमारा रिव्यू हमारी MT-15 पे। तो भाई कैसा लगा आपको ये रिव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बी सेफ।